हाय फ्रेंड, फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था माइकॉन P211 रिले के बारे में, स्पेशली ये वीडियो उनको डेडिकेटेड करता हूँ और आप लोग भी देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माइकॉन P211 जो रिले है, वो रिले मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन कैसे उसका फॉल्ट रिकॉर्ड चेक करना है वो मेरा वीडियो व्यूअर का कमेंट था, तो मैं फॉल्ट रिकॉर्ड कैसे चेक करना है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। माइकॉन P211 इस रिले में 7 सेगमेंट डिस्प्ले रहता है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में अगर आपका डिस्प्ले में बाय डिफॉल्ट कुछ सो तो होगा, तो उसमें क्या करना है आपको, तो उसके जाने से पहले आपको पहले बता दूं, माइकॉन P211 रिले में 5 की रहता है, उसको नेविगेशन की बोलता है। देखिए, ऑफ एरो, डाउन एरो, लेफ्ट, राइट एंड एंटर की। तो अगर डिस्प्ले में कुछ शो होगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप एरो का प्रेस कीजिए, उसके बाद देखिए डिस्प्ले में आएगा, प्रेस करते रहिए, जब डिस्प्ले में CLR क्लियर, देखिए ऐसे आएगा डिस्प्ले में CLR ऐसे आएगा, तो उस टाइम आपको एंटर कर दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले है वहां पे चला आएगा, क्योंकि आप नॉर्मल भी किसी भी पोजीशन से जा सकते हो, लेकिन आप अगर किसी मेनू का सामने में रहोगे तो आप नहीं जा पाओगे, इसलिए मैंने पहले बोल रहा हूं किसी भी पोजीशन में हो तो उसको क्लियर करके बाय डिफॉल्ट मेनू में आ जाइए। उसके बाद ये लेफ्ट साइड बटन प्रेस कर सकते हो या राइट साइड बटन प्रेस कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट में देख सकते हो आप इधर आ जाएगा, फिर आप राइट साइड प्रेस करोगे तो रिकॉर्ड आर ई सी में आ जाएगा, फिर आप दोबारा प्रेस करोगे तो घूम प्रोटेक्शन विंडो में आ जाएगा, फिर प्रेस करोगे तो सिलेक्ट वन, फिर प्रेस किया सिलेक्ट टू, फिर प्रेस किया सिलेक्ट टू, ऐसे करके घूम के चला आएगा। अब इधर से राइट एरो प्रेस करके इधर राइट साइड से भी जा सकते हो, लेफ्ट एरो प्रेस करके लेफ्ट साइड में भी जा सकते हो, लेकिन आपका डिस्प्ले में REC रिकॉर्ड आना चाहिए। जब रिकॉर्ड आ जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन एरो को प्रेस करना पड़ेगा, तब डाउन एरो में प्रेस जब करोगे तो रिकॉर्ड का सब मेनू का अंदर आप चला जाओगे। देखिए, मैं मेरा समझ लीजिए, मैं लेफ्ट एरो प्रेस करके रिकॉर्ड के मेरे डिस्प्ले में रिकॉर्ड शो हो रहा है, तब क्या करना है आपको, डाउन एरो प्रेस करना है, तब देखिए NO5 मतलब करेंट जो फॉल्ट है वो शो कर रहा है, मतलब पांच प्रॉब्लम रिकॉर्ड शो करके स्टोर करके रखता है, पांच जो होता है वो करेंट है, मतलब रिसेंट जो हुआ है फॉल्ट वो दिखा रहा है। उसके बाद आप डाउन एरो प्रेस कीजिए, फिर दिखाएगा PTC प्रोटेक्शन, ये PTC का मतलब है यहाँ पे कौन सा फॉल्ट एक्ट हुआ है, इसमें आर्थ फॉल्ट हो सकता है, ओवर करंट फॉल्ट हो सकता है, जो होगा वही शो करेगा। उसके बाद आप डाउन एरो प्रेस कीजिए, फिर देखिएगा 2 डिजिट ऐसे आएगा, ये 2 डिजिट या 3 डिजिट भी आ सकता है। आप इधर देखिएगा ऊपर एक डॉट करके मार्किंग है, उसका मतलब है जो लाइन वन फेज, मतलब आर फेज में क्या ए फेज भी आप समझ सकते हो, उसमें फर्स्ट फेज में ए फॉल्ट शो कर रहा है, कितना वैल्यू आया है। फिर आप डाउन एरो प्रेस कीजिए, आपका मिडिल में जो डॉट है वहां पे डॉट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले में भी रीडिंग शो करेगा, उसका मतलब क्या है, ये सेकेंड फेज में फॉल्ट है वो शो कर रहा है। फिर आप फिर से डाउन एरो प्रेस कीजिए, देखिए नीचे में आ जाएगा डॉट, इसका मतलब 3 नंबर फेज जो है उसमें आ गया। फिर आप नीचे डाउन प्रेस कीजिए, अब इधर आ जाएगा, न्यूट्रल में कितना करंट लिया है वो शो करेगा। फिर आप डाउन एरो प्रेस कीजिए, इधर शो होगा, देखिए 3 डॉट रहेगा, इधर शो होगा, ये चारों जो है इसमें, मतलब 3 फेज और न्यूट्रल के लेके चारों में जिसमें फॉल्ट ज्यादा है, जिसका फॉल्ट डिटेक्ट किया है वो शो करेगा इधर। फिर आप डाउन एरो प्रेस कीजिए, कितना टाइम के लिए था वो शो करेगा इधर, ठीक है ना। फिर आप डाउन एरो प्रेस कीजिए, घूम के रिकॉर्ड में चला आएगा। तो क्या है, ये डाउन एरो प्रेस करते रहोगे तो घूम के फिर रिकॉर्ड में जाएगा, फिर घूम के रिकॉर्ड में जाएगा। अगर आप इधर आपका समझ लीजिए डिस्प्ले में ये शो हो रहा है, तो आप डाउन एरो प्रेस करके नीचे भी जा सकते हो और अप एरो प्रेस करके ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन अप एरो प्रेस करके आप रिकॉर्ड में जब चलाओगे तब अप एरो प्रेस कर दोगे तो क्लियर ऑप्शन में चले जाओगे,
तब एंटर प्रेस कर दोगे तो क्लियर होकर बाय डिफॉल्ट में आ जाएगा। लेकिन आप एरो प्रेस करते रहोगे तो क्या होगा, साब मेन्यू से मेन्यू होके एग्जिट हो जाओगे। लेकिन डाउन एरो प्रेस करते रहोगे तो साब मेन्यू से घूम के फिर मेन्यू में आएगा, फिर साब मेन्यू करोगे, मतलब डाउन एरो करोगे तो ऐसे लूप में चलते रहेगा। लेकिन आप एरो प्रेस करोगे तो इधर उधर है ना, तो इधर के जाके इधर जाके रिटर्न होके चला जाएगा। तो ऐसे करके चेक करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे चेक करना है। और एक बात बोलना था, इधर जो आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे मेनू आठ, मेनू का अंदर आठ ऐसे मेनू है, ठीक है ना, मेनू का जो से आठ है, मतलब आप इधर आठ आठ बार प्रेस करोगे तो इधर आ जाओगे घूम के, 1 2 3 ऐसे करके आठ है, एक सर्कल में आठ है। तो ये बात आपको ध्यान दीजिएगा, माइकम P2 में है। तो आप लोगों को ऐसे करके चेक करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं फिर से नया बनाऊंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरे पास जब प्रैक्टिकल में रिलीफ हाथ में आएगा, मेरे पास आएगा, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक वीडियो बना के भी दिखा दूंगा प्रैक्टिकल में कैसे डिस्प्ले में शो होता है, ठीक है ना। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।